हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आ चुके हैं आपके लिए क्लॉक की, क्योंकि हमने जो आपको टारगेट दिया है और हम मिलकर उसको अचीव करेंगे मैट में 100 out of 100। तो क्लॉक के हमारी 4-5 वीडियो रहने वाली हैं, इसमें से सेकंड वीडियो ये हमारी है। एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं, अगर कोई भी स्टूडेंट्स ये हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है और उसने हमारी इससे जो हमने पिछली वीडियो बनाई है वो नहीं देखी है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है या फिर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो उसमें हमने बिल्कुल डिटेल में आपको कॉन्सेप्ट समझाए हैं एक क्लॉक के, कि क्लॉक में क्या क्या रहता है, 0 degree का एंगल, 90 degree का एंगल, 180 का एंगल या फिर मिनट्स की सुई। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि जैसे 24 आवर्स में जो 0 degree का एंगल है वो 22 टाइम्स होता है, और 90 degree का जो एंगल है वो 44 टाइम्स, और 180 का 22, और 1 minute यानी कि 1 मिनट में बात करते हैं, जो मिनट हैंड है वो 6 degree का एंगल बनाता है और जो आवर हैंड है वो 0.5 degree का एंगल बनाता है, और टोटल एंगल जो एक सर्कल यानी कि एक सर्कल है पूरा जो क्लॉक है उसमें 360 degree का रहता है, और अगर हम 1 hour की बात करें तो इसके बीच में 30 degree का एंगल बनता है, यानी कि अगर हम 12 से 1 तक आते हैं तो कितने डिग्री एंगल बनता है, 30 degree। क्यों? क्योंकि टोटल में एंगल कितने का बनता है, 360 का, और अगर उसको 12 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 30। तो ये बातें आपको याद रखनी है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक एट 8:24 PM, यानी कि हमें बताना है कि 8:24 पर कितने डिग्री का एंगल, जो दोनों की दो सुई हैं यानी कि एक मिनट हैंड्स और एक आवर हैंड, तो दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल रहने वाला है। तो अगर हम इसको बेसिक से सीखते हैं या फिर इसके लिए मेरे पास एक फार्मूला भी है, तो सबसे पहले हम बेसिक से देखते हैं और फिर फार्मूला लगाकर इसके एंगल को फाइंड करते हैं। तो देखते हैं, अगर 8:24 तो यहाँ पर क्या रहता है, 25, तो मिनट की सुई यहाँ पर रहने वाली है बिल्कुल इसके पास में, कितने पर, 24 पर, और 8 की जो हैंड्स है जैसे आवर हैंड जो है वो कहाँ रहेगा, थोड़ा सा उससे आगे रहने वाला है, तो यहाँ पर लगभग इसके बीच का एंगल जो है हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देख कंप्लीट कितने हैं। अब मैंने कहा था कि 1 hour के बीच, 1 hour में कितना होता है एंगल, यानी कि 7 और 8 के बीच में या फिर 7 और 6 के बीच में, तो कितने एंगल रहता है, 30 का, तो 1, 2, 3 यानी कि 30, 90 degree तो हमारा यहाँ से हो जाता है। अब इसमें कितना है, 1 minute का डिफरेंस है, तो 1 minute में कितने एंगल बनता है, 6 degree का एंगल बनता है, तो टोटल कितना हुआ है, 96। लेकिन ये जो आवर हैंड है ये भी थोड़ा मूव कर जाता है, कितना कर जाता है कि 1 minute में 0.5 degree, तो हमारे पास कितने हो चुके हैं टोटल मिनट्स, 24, तो 24 का हाफ रहेगा यानी कि 12, तो ये जो आवर हैंड है हमारा ये भी 12 degree आगे मूव कर चुका है, तो इसमें 12 और प्लस होगा तो कितना आंसर आएगा हमारा, 108 degree, यानी कि 108 degree, 108 degree का एंगल ये हमारा आंसर रहने वाला है। अब इसके एक फॉर्मूला है हमारे पास कि 11/2 और मल्टीप्लाई हमें इसमें यहाँ पे मिनट करना है -30 और मल्टीप्लाई आवर जो भी हमारे पास है यहाँ पर, तो हमें क्या है हमारे पास, देखिए 11/2 मिनट कितने हैं, 24 माइनस 30 और मल्टीप्लाई आवर्स और कितने हैं, 8, तो हम यहां से करेंगे इसको, तो मल्टीप्लाई करेंगे 132 माइनस ये 240, और अगर इनको माइनस करते हैं तो 108 degree, दोनों में बिल्कुल सेम एंगल निकला है। ये फॉर्मूला से है, बड़ी जल्दी हो जाता है, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए क्योंकि बहुत जगह फॉर्मूला काम नहीं करेगा, तो हमें फिर अपने कॉन्सेप्ट जिसका भी स्ट्रांग होगा उन क्वेश्चंस को निकाल दे, एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमा सकता है, जिस बच्चे का बेसिक क्लियर रहेगा तो वो उसको घुमा नहीं सकता। तो ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं, व्हेन द टाइम इज 12:20 द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक इज 100, 110, 80 और 95। तो हमें कैसे निकालना है इसको, सच क्या 12:20 यानी कि 12:20 ऐसी घड़ी में हमने बनाया कि 12 जो आवर हैंड है वो 12 पे है और जो मिनट हैंड है वो 4 पे, यानी कि यहाँ पर 4 या फिर 20 minutes, हम इसको देखते हैं। तो अभी देखिए इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल है, मैंने कहा है आपको कि 12:1 कितने का है, यानी कि 1 hour के बीच में 30 का, तो 1, 2, 3, 4, तो 4 hours में यानी कि 1 hour में 30, तो 4 hours में
120 का एंगल। लेकिन हमने एक बात आपको बताई थी कि जैसे जैसे मिनट की सुई आगे बढ़ती है तो घंटे जो उसके साथ आवर्स की जो हैं वो क्या करते हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ चलता है। कितना? 1 मिनट में 0.5। तो 20 मिनट में कितना रहेगा, वो कितने एंगल बनाएगा, यानी कि इसका हाफ, 20 का हाफ 10, तो यानी कि 10 मिनट का एंगल ये भी यहाँ से कंप्लीट कर लेगी, इससे थोड़ा आगे हो जाएगी। तो ये जो टोटल 120 का एंगल बना है इसमें से माइनस हमें 10 करना पड़ेगा, तो हमारे पास जो एंगल आएगा वो 110 डिग्री का आएगा, यानी कि 110 डिग्री का। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एट व टाइम बिटवीन 7 and 8 o'clock द हैंड्स ऑफ क्लॉक आर एट राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का एंगल, की 90 डिग्री का एंगल किन दो हैंड्स के बीच में, मिनट्स और हैंड के बीच में। तो देखते हैं, ये हमारी क्लॉक है, स्टार्टिंग करते हैं हम 7 and 8 o'clock। सबसे पहले हमें क्या करना है, 7 o'clock घड़ी में दिखाते हैं कैसे हैं, ऐसे बजते हैं ना 7 o'clock। अभी देखिए इसके बीच में कितना डिफरेंस है, मैंने कहा था आपको 1 hours के बीच में कितना है 30 का, तो 1, 2, 3, 4 यानी कि 7, तो टोटल कितना हुआ 7 multiply by 30 यानी कि 210 डिग्री। लेकिन हमें राइट एंगल बनाना है तो कितना डिफरेंस चाहिए, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो सिर्फ 90 डिग्री का होना चाहिए, लेकिन अभी कितने का एंगल बना हुआ है 210 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे, 210 डिग्री में से 90 को माइनस करेंगे तो 120 डिग्री का एंगल, यानी कि अगर ये जो मिनट हैंड है वो 120 और आगे आएगी तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, फिर 90 का। आया समझ में कि 120 यहां से ये चल देगी तो बीच में एंगल कितने रहेगा 90 डिग्री का। और मैंने आपको बताया था कि मिनट और आवर हैंड के बीच में जो डिफरेंस रहता है वो एक मिनट में कितने एंगल का रहता है, कितने डिग्री का रहता है, 5.5 डिग्री, यानी कि 1 मिनट में। ठीक है, तो हमें कितने डिग्री का रहता है, 5.5 का, लेकिन हमें डिग्री कितनी निकालनी है, 120। तो हम क्या करेंगे, 120 डिवाइड बाय 5.5, इसको डिवाइड करते हैं इसके पॉइंट के, यहां पर जीरो लगा देते हैं, तो ये क्या रहेगा 2 110 0 1 0 1 45, यानी कि 20 मिनट 45 by 55, इसको कट करते हैं तो 9 by 11, यानी कि 29 by 11 मिनट्स। तो क्या रहेगा हमारा 7 7 21 9 by 11 मिनट्स। तो ये हमारा आंसर रहने वाला है इसमें, कहां पर आंसर, ये सी हमारा आंसर है। समझ में आया, और नहीं आया हो तो प्लीज रिवाइज करके एक बार देखिए, थोड़ा सा टफ है ये, लेकिन हम प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो ये बिल्कुल आसान आपको लगने लगेगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड्स एंड आवर हैंड व्हेन द क्लॉक शो 329। तो हमारे पास दोनों फॉर्मूले हैं, तो हम सिंपल इससे जैसे हमारा जो बेसिक है उसे क्लियर कर सकते हैं, और एक है हमारा फॉर्मूला। तो हम सबसे पहले यहाँ बेसिक से देखते हैं अपने कि 3 यानी कि 320 यहाँ पर रहेगा आवर हैंड, और यहाँ पर थोड़ा सा इससे 1 मिनट पहले ये क्या रहेगा मिनट हैंड, यानी कितने में रहेगा 329। और अगर इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं 3, 4, 5, तो मैंने कहा था 1 hour में कितना एंगल रहता है 30 डिग्री एंगल, तो 3 में कितना रहेगा 90 डिग्री एंगल। लेकिन अभी ये 1 मिनट अभी कंप्लीट नहीं, कैसे नहीं कि 30 मिनट नहीं हुए, तो इसमें से हम माइनस 6 करेंगे तो कितना रहेगा 84 डिग्री। लेकिन अभी 29 मिनट्स ये जो आवर एंगल है, ये हमारे पास जो आवर हैंड है, ये 29 मिनट्स यानी कि ये थोड़ा सा अभी यहाँ पर हमें आगे मिलेगा, तो कितना आगे मिलेगा, मैंने कहा था कि 1 मिनट में 0.5 डिग्री और 29 मिनट में 14.5 डिग्री, तो यानी कि इनके बीच में जो ये एंगल है ये कम हो जाएगा। तो इसमें से जो 84 है इसमें से 14.5 डिग्री यानी कितना आएगा हमारा आंसर 96 यानी 69.5 डिग्री। तो हमारा आंसर रहेगा 69.5
5 डिग्री। तो अब हम फॉर्मूला से करके देखते हैं, 11 बाई 2 मल्टीप्लाई मिनट्स, मिनट कितने 29 माइनस 30 मल्टीप्लाई आवर्स और कितने 3, तो कितने रहने वाला है हमारा 11 बाई 2 29 माइनस 90, इसको कट करेंगे 5.5 और 5.5 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्या आएगा 159.5 माइनस 90 यानी कि 69.5 डिग्री। तो दोनों में हमारा आंसर सेम है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 एंड 8 ओ क्लॉक विल द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक बी इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट नॉट टुगेदर। इसका मतलब क्या है कि वो स्ट्रेट लाइन में है बट वो एक जगह पे नहीं है, टुगेदर नहीं है, यानी कि अगर और हैंड है और मिनट हैंड, जैसे और हैंड है और मिनट हैंड सेम स्ट्रेट लाइन तो ये भी है, लेकिन वो कैसी स्ट्रेट लाइन में है, एक साइड में मिनट हैंड है और दूसरी साइड में उसकी यानी कि अपोजिट भी इसको हम कह सकते हैं। तो यहां पर देखिए कि 7 एंड 8 ओ क्लॉक तो क्या बनेगा, उसके बीच में देखना स्ट्रेट लाइन, यानी कि स्ट्रेट लाइन के हम समझेंगे कि एंगल कितने का होता है स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री का, जबकि वो बट नॉट टुगेदर हो, जब वो एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर ना हो, अपोजिट हो, तो क्या रहेगा 180 डिग्री का एंगल रहेगा। तो अभी हम देखते हैं 7 टू 8 ओ क्लॉक, यानी कि यहां से स्टार्ट करते हैं हम 7, अभी 8 ओ, अब जैसे जो हमारा मिनट हैंड है वो किधर मूव करेगा इस साइड में, और इनके बीच में एंगल कितना रहेगा 180 का, वो फाइंड करना है। अभी एंगल कितना है वो देख लेते हैं, मैंने कहा था कि 1 आवर के बीच में कितने एंगल रहता है 30 डिग्री का, 1 2 3 4 5, तो अभी कितने का एंगल है 150 डिग्री का एंगल, और हमें चाहिए कितना 160 डिग्री का एंगल, तो हमें और कितने का एंगल चाहिए 30 डिग्री का एंगल हमें चाहिए। तो 30 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो अब जब 30 डिग्री एंगल वैसे यहाँ बन जाता है लेकिन जो आवर हैंड है वो भी मूव करता है, तो 1 मिनट में अगर हम देखते हैं तो दोनों में डिफरेंस कितना होता है 5.5 डिग्री का 1 मिनट में, यानी कि 5.5 डिग्री 1 मिनट में, और हमें टोटल मिनट्स फाइंड करने हैं कि 30 डिग्री का एंगल जो है वो कितने मिनट में जा करके बनेगा। तो हमें क्या करना है, सीधा बस बिल्कुल सिंपल है, 30 को 5.5 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 35.5 हम यहाँ से जो इसका पॉइंट है वो निकाल के यहाँ रख देते हैं, और इसमें क्या रहेगा ये 5 275 25, यानी कि 5:25/55, इनको हम कट करेंगे तो 5/11, यानी कि 5:5/11 मिनट्स, और हमारे पास कितना है 7, 7 स्टार्ट है 7 से, तो आंसर क्या रहेगा हमारा 5:5:11 मिनट पास्ट 7, तो ये हमारा आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो आपके लिए है, प्लीज इसको नोट करें, और जो स्टूडेंट इसको सॉल्व करें वो प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें जरूर दें, ताकि हमें पता लगे कि कितने स्टूडेंट्स ने इससे बेनिफिट लिया है हमारे से। तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और इससे रिलेटेड हमारी जो वीडियो हैं, हमने 3-4 वीडियो और बनाई हैं और बनानी भी हैं, तो प्लीज़ हमारे साथ रहें, हमारा जो टारगेट है वो मैट में 100 out of 100 का रहने वाला है। तो प्लीज़, लेकिन जब आप इसको करेंगे, प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे, तो तभी हम मैट में 100 out of 100 ले सकते हैं। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।